बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट एकेडमी बाय रिया सॉल्यूशन। हैप्पी न्यू ईयर। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर कॉन्फ़िगरेशंस। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉन्फ़िगरेशंस इन दिस वीडियो रिलेटेड टू एंटिटी फ्रेमवर्क। तो जैसा पिछले वीडियो के अंदर हमने क्या किया, कन्वेंशंस डिस्कस की, और कन्वेंशंस के अंदर हमने दो कन्वेंशंस पढ़ ली, दैट इज़ वन टू वन एंड वन टू मैनी। तो अगर आपने नहीं देखी है वीडियो, तो मैंने पिछली वीडियो का लिंक इस पूरी प्लेलिस्ट का जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो यू कैन वॉच दीज वीडियोस। सो ये पूरा सेट जो है ना प्रीवियसली चल रहा है, तो हाईली रिकमेंड यू टू वॉच दिस। उसके बाद आप जो है ना एंटिटी फ्रेमवर्क में आई डोंट थिंक सो कि किसी को कोई प्रॉब्लम आने वाली है। अगर आप ये पूरी सीरीज़ देख लेंगे, इट विल बी अराउंड मैक्सिमम 10 वीडियोज़। तो चैलेंज शुरू करते हैं। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, लेट्स जस्ट कम बैक दिस कॉन्फ़िगरेशन इन एंटिटी फ्रेमवर्क कोड। तो दो तरीके हैं, दे आर टू कॉन्फ़िगरेशन मेथड इन ईएफ कोर। नंबर वन इज़ डेटा एनोटेशन एट्रीब्यूट्स एंड टू इज़ फ्लुएंट एपीआई। तो मैंने पिछली वीडियो के अंदर बोला था ना कि मैंने मैनी टू मैनी नहीं किया, मैनी टू मैनी कन्वेंशन को मैंने छोड़ दिया। वो किस लिए छोड़ा, वो फ्लुएंट एपीआई के लिए छोड़ दिया। उसको हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में, ठीक है। अब देखें ये फ्लुएंट एपीआई किसके अंदर आती है, कॉन्फ़िगरेशंस के टॉपिक के अंदर आ रही है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशंस क्या होते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। तो नंबर वन जो टाइप है ना कॉन्फ़िगरेशंस की, वो है डेटा एनोटेशन एट्रीब्यूट्स। दैट इज़ वेरी कॉमन एंड ईजी टू हैंडल, ठीक है। देखें होता क्या है, डेटा एनोटेशन एट्रीब्यूट्स, दीज आर द डॉट नेट एट्रीब्यूट दैट कैन बी अप्लाइड टू द डोमेन क्लासेस एंड देयर प्रॉपर्टीज़। ये वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो आप डोमेन क्लासेस, अब डोमेन क्लासेस क्या है भाई, मैं पहले कर चुका हूँ, बट चलो लेट्स जस्ट रिपीट, ठीक है। डोमेन क्लासेस आर दिस, जो हम मॉडल के अंदर ये बनाएंगे ना, हमने एड्रेस, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय, जिसका टेबल जाके बन जाता है, दीज आर द डोमेन क्लासेस, ठीक है। दीज आर द डोमेन क्लासेस, लेट मी ओपन दिस, दिस इज़ द डोमेन क्लास, डिपार्टमेंट इज़ द डोमेन क्लास, ठीक है। इनके ऊपर वो कह रहा है कि आप जो है ना अप्लाई कर सकते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ आर दीज, इन आईडी, नेम एंड एम्प्लॉयर, दीज आर प्रॉपर्टीज़, ठीक है। डेटा एनोटेशन एट्रीब्यूट्स आर इंक्लूड इन अ सेपरेट नेम स्पेस कॉल्ड दिस। कह रहा है ये भाई डेटा एनोटेशन के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो इस नेम स्पेस के अंदर होते हैं, तो आपको ये नेम स्पेस याद रखना है, क्योंकि ये बाई डिफॉल्ट देखें यहाँ पर एड नहीं हुआ हुआ होता, हमें ऐड करना होगा, ठीक है। तो चलें इसको, इसकी एग्जाम्पल को देखते हैं। फर्स्ट हम एक नया मॉडल क्रिएट कर लेते हैं, लेट्स जस्ट नेम इट, रीनेम इट एज, नेम इट एज कंट्री। वन टू मैनी का रिलेशन बनाते हैं इसके साथ एट्रीब्यूट कन्वेंशन को यूज़ कर, कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करते हुए। कंट्री एक टेबल बना दिया मैंने, ठीक है। मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ बनाता हूँ, प्रॉप्स, आईडी, ठीक है। लेट्स मेक दिस आईडी इंटीजर, प्रॉपर्टी स्ट्रिंग, लेट्स नेम दिस नेम, ओके एंड ओके, दैट इज एनफ, और शॉर्ट कोड वगैरह यू कैन डू दैट फर्दर। चलें बस तीन प्रॉपर्टीज बनाते हैं, क्रिएटेड डेट और ये वो, आई एम नॉट गोइंग टू मेक दैट ऑल थिंग्स, ठीक है, वो आप खुद कर सकते हैं। तो मैं एग्जांपल के ताकि वीडियो शॉर्टर है, सो शॉर्ट कोड फॉर द कंट्री, ओके, सो वी आर डन विद दिस। अच्छा अब बात कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, कुछ भी करने से पहले हमें पहले उसको समझना होगा कि एनोटेशन एट्रीब्यूट्स काम कैसे करते हैं। तो ये वो एनोटेशन एट्रीब्यूट्स हैं जो आपको मालूम होना ज़रूरी है। द नंबर वन इज़ टेबल, ठीक है, चलो उसको यूज़ करते हैं। टेबल क्या कह रहा है, अप्लाइड ऑन द एंटिटी क्लास टू गिव अ नेम टू द डेटाबेस टेबल। अब आपको पता है जैसे मैंने पीछे बनाया ना टेबल, तो डिपार्टमेंट क्लास का नाम है तो डिपार्टमेंट के नेम से ही टेबल बन गया। एड्रेस डोमेन क्लास का नाम है तो वो एड्रेस के नाम से ही टेबल बन गया, ठीक है। एम्प्लॉय क्लास का नाम है तो एम्प्लॉय की जो डोमेन नेम है ना उसी के नाम से आपकी क्लास बन गई। बट सपोज यू डोंट वांट द नेम टू बी सेम इन योर कोड एंड इन योर सीक्वल सर्वर डेटाबेस और एनी डेटाबेस, ठीक है। बस राइट नाउ वी आर यूजिंग सीक्वल सर्वर, लेट्स जस्ट ओपन दिस। मान लें कि आप नहीं चाहते कि आपकी डोमेन क्लास और
जो आपके सीक्वल सर्वर के अंदर जो टेबल नेम है वो सेम हो। तो ऐसी सूरत में आपको ये कॉन्फ़िगरेशन डाटा एनोटेशन वाली काम आएगी। ठीक है, अब देखेंगे उसका यूज़ पता चल रहा है कि भाई हाँ, अगर ऐसी सूरत हाल हो तो क्या करना चाहिए, हमें ऐसे कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, साथ में मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। अब तो ये कैसे करेंगे, तो भाई अभी ये बात की ना कि आपको कुछ भी करने से पहले ये ऐड करना होगा। लेट्स कॉपी दिस, कम हियर एंड पेस्ट बाय राइटिंग यूजिंग दिस। ठीक है सर, ये मौजूद है इसके अंदर सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन। वाइट इज गिविंग मी एरर, एस आई फॉरगॉट टू ऐड एस। ठीक है, इसलिए अब यहाँ पर आते हैं ना और यहाँ पर लगाते हैं टेबल। अच्छा, टेबल जो है ना वो इसके अंदर ऐड नहीं होता, सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल देखो क्योंकि अभी भी एरर दे रहा है। अब मैं कंट्रोल पीरियड प्रेस करता हूँ तो ये मुझे बता देगा कि ये कौन से वाले के अंदर है। ये इसके अंदर नहीं होता, डेटा एनोटेशन के अंदर नहीं होता, ये स्कीमा में होता है, डेटा एनोटेशन डॉट स्कीमा। वी नीड टू स्पेसिफाई मोर। ठीक है, अच्छा अब मैं जो टेबल का नाम वहाँ पर रखना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पर रख देता हूँ, नेम सॉरी आई डोंट हैव टू प्रोवाइड दिस। इस तरीके से यहाँ पर मैं, चलो मान लो भाई मैं टी बी एल अंडरस्कोर कंट्री। वैसे ये कन्वेंशन सीक्वल सर्वर के लिए सही नहीं है, टी बी एल अंडरस्कोर, ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर इज़ नॉट फाइन विद द टेबल नेम। टेबल नेम शुड बी स्पेसिफिक, यू नो, इसको हम डिस्कस करेंगे कि कन्वेंशंस क्या होने चाहिए आने वाली वीडियो में, बट लेट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल हम इसको कंसिडर कर लेते हैं कि भाई आपके जो टीम लीडर हैं या जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है उसने हमको कहा कि भाई टेबल का नाम ये होना चाहिए डॉक्यूमेंट के मुताबिक। तो आप अब कह रहे हैं भाई डोमेन नेम, तो मैं यहाँ पर टी बी एल अंडर स्कोर आई कैन नॉट मेक दिस ना इस तरह से कि भाई मैं टी बी एल अंडर स्कोर कंट्री, मैं सी शार्प की वाइल नेमिंग कन्वेंशन की ही धज्जियाँ उड़ जाएंगी, वायलेशन हो जाएगी। सो इस तरह की सिचुएशन में ना आपने ये करना है, यू नीड टू डू दिस। ओके, अच्छा चलो पहला हो गया डिस्कस, let's come back to this. What is column? Column is applied to on a property to give the column name, order and data type. ठीक है, अब इधर आते हैं, अब ये देखो ये आई डी है ना and you want to specify another name, that is के भाई आप नहीं चाहते हो वहाँ पर इसका नाम column आ रहा हो और आई डी आ रहा हो, एंड यू वॉन्ट टू असाइन द नेम दैट इज एज नेम इज इक्वल्स टू वॉट यू वॉन्ट टू असाइन कंट्री आई डी, यू वॉन्ट टू असाइन द कंट्री आई डी नेम। अच्छा इस तरह से नहीं, नेम लिखने की ऐसे ज़रूरत नहीं, वो एरर में लिखना होता है, कॉमा लगा के देखो ये बता रहा है टाइप, यू वॉन्ट टू असाइन द टाइप नेम इज इक्वल्स टू एंड टीचर और लॉन्ग यू वॉट एवर यू कैन असाइन। ठीक है, इस तरह कोटेशन में टाइप नेम इज इक्वल्स टू इन टीचर। लेट्स जस्ट कॉपी दिस based on this, and what chart length is 50. ठीक है, बस ये दो के साथ मैंने लगा दिया, नीचे वाले के साथ आप खुद लगा सकते हैं। अच्छा अगली चीज़ क्या है, की। अच्छा बाय डिफ़ॉल्ट देखें की का क्या सीन होता है, अगर आपने यहाँ जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है ना उसको अगर आई डी रखा है तो वो उसको प्राइमरी की कंसिडर कर लेगा, बट इन केस अगर यहाँ पर कुछ और है, यानी यू आर नॉट नेमिंग इट एज आई डी एंड यू आर नेमिंग इट एज कंट्री आई डी और समथिंग एल्स कंट्री और एनी थिंग, कोई प्रॉपर्टी का नाम कुछ और है आई डी के अलावा, तो उस सूरत हाल में इसको प्राइमरी की कंसिडर नहीं करेगा, एक एरर आएगा। तो आपको प्राइमरी की एक्सप्लिसिटली बताने के लिए ना ये एट्रीब्यूट लगाना है, फॉर डिफाइनिंग द एक्सप्लिसिटली द प्राइमरी की यू शुड यूज़ दिस एट्रीब्यूट एज की। अब ये बता रहा है भाई ये वाला कॉलम है ये प्राइमरी की होगा, चिल्ला चिल्ला के बता रहा है। नाउ नेक्स्ट फॉरेन की, फॉरेन की के लिए दूसरा टेबल बनाना पड़ेगा, सो आई विल बी क्रिएटिंग अनदर टेबल अनदर डोमेन क्लास दैट इज सिटी। और ये जो पूरी कहानी है ना ये उठा के यहाँ से कॉपी करो पेस्ट करो कंट्री की जगह, देखो एक कमाल की चीज़ करते हैं, कमाल की चीज़ ये करते हैं कि यहाँ पे जाते हैं एडिट पे जाते हैं फाइंड एंड रिप्लेस पे जाते हैं सी ओ यू एन टी आर वाई कंट्री सी आई टी सी वाई और ये एंटर कर देते हैं रिप्लेस ऑल, हो गया कहानी ख़त्म। सही है जी,
कंट्री नेम और दिस स्टाफ ला ब्ला ब्ला, ठीक है। ये सिटी, अब सिटी और कंट्री का वन टू मैनी रिलेशन है कि भाई एक कंट्री के अंदर यू कैन हैव मोर देन वन सिटीज़, ठीक है। तो वन टू मैनी रिलेशन, एक कंट्री के अंदर एक से ज़्यादा सिटीज़ हो सकती हैं। तो सिटी के टेबल में ना कंट्री की फॉरेन की होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रॉप इंटीजर, इसका नाम मैंने कंट्री आईडी यहाँ इस तरह से लिख दिया, ठीक है। और यहाँ इसको मैं फॉरेन की डिफ़ाइन करना चाह रहा हूँ। फॉरेन की ये बताएगा कि भाई ये वाला कॉलम है ना ये फॉरेन की है। और इसका नाम बताना पड़ेगा यार, कंट्री आईडी इस तरीके से, ठीक है। और ये वन टू मैनी रिलेशन है, सो नेविगेशन प्रॉपर्टी ऐड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और वहाँ पे जाके कलेक्शन ऐड करना पड़ेगा। सो कलेक्शन के लिए मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ डिपार्टमेंट से, आई कलेक्शन, सिटी, वन कंट्री हैव मैनी सिटीज, ठीक है। आई कलेक्शन सबसे आसान तरीका, ओके। अच्छा, स्कीमा में हमने ये हरकत नहीं किया ना, इसको कॉपी नहीं किया यार। लेट्स कॉपी एंड पेस्ट दिस, मेक इट एज सिटी, ठीक है। चलो यहाँ तक पहुँच गया। नेक्स्ट, नॉट मैप्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। होता क्या है कभी कभी ना, अपना सीक्वल सर्वर के अंदर दो कॉलम्स या तीन कॉलम्स को मिला के एग्रीगेट करके या कोई फॉर्मुलेशन करके एक नया कॉलम जो ना रन टाइम पे क्वेरी चला के बना रहे होते हो, बहुत होता है, प्रैक्टिकल सिचुएशन में होता है। तो ऐसे वक्त में क्या होता है भाई, सीक्वल के अंदर तो सही है ना, जब एडीओ से काम करते थे तो एक कॉलम बनता था और वो डेटा बस यहाँ ले आते थे। एंटिटी फ्रेमवर्क में नॉट मैप, अब आप चाह रहे हो कि भाई एक मैं कॉलम रखूँ बट वो डेटा बेस में टेबल ना बने। मान लें कि वो ये कॉलम है, शॉर्ट कोड, आई डोंट वॉन्ट टू हैव अ कॉलम इन द डेटा बेस नेम एज शॉर्ट कोड, मैं नहीं चाहता। मान लो कि भाई ये चलो नहीं, शॉर्ट कोड इज़ नॉट प्रैक्टिकल, लेट मी गिव यू अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। प्रॉपर्टी इंटीजर काउंट, सो मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं बाद में ना इस प्रॉपर्टी के अंदर ये होल्ड करूँगा कि कितना काउंट है किसी हमारे पास कंट्री का, मतलब इसमें कितने सिटीज़ हैं, आई वॉन्ट टू हैव अ काउंट ऑन दैट। और मैं नहीं चाह रहा कि भाई ये टेबल बने जाके वहाँ पर ना, सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, नॉट मैप का एट्रीब्यूट लगा दूँगा। तो जब मैं भी माइग्रेशन चलाऊँगा, सो यू विल सी कि काउंट नाम का कोई कॉलम वहाँ पर नहीं बनेगा, will not create a column against this property, okay, we are all clear. Next, blah 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 blah, max length and required, बेकार फील्ड, मतलब बेकार नहीं यार, मतलब आसान।